एसोसिएशन ऑफ अफेक्टेड बॉय लेप्रोसी द्वारा उज्जैन में फ्रीगंज ब्रिज स्थित सतानंद महादेव कुष्ठधाम कॉलोनी में ड्रेसिंग सेंटर का उद्घाटन कार्यक्रम किया गया। कुछ रोगियों के लिए बहुत ही कम स्थानों पर ड्रेसिंग सेंटर है और उनके इलाज के लिए भी चिन्हित अस्पतालों में ही उन्हें सुविधा दी जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एसोसिएशन ऑफ अफेक्टेड बॉय लेप्रोसी द्वारा फ्रीगंज स्थित कुष्ठ बस्ती में ड्रेसिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया और उसके बस्ती में रहने वाले प्रतिभावान बच्चों का संवर्धन भी उन्हें प्रमाण पत्र देकर किया गया। उपरोक्त ड्रेसिंग कार्य लगातार वॉलंटियर द्वारा किया जाएगा। किसी प्रकार की शंकास्पद स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को उच्च स्तर पर इलाज के लिए भी भिजवाया जाएगा। कार्यक्रम में APAL के सचिव सारंग गायधने, कुष्ठ विभाग से DLO डॉक्टर एस के अखंड, NMA DS परमार, HE नारायण, आंगनवाड़ी सहायिका आशा परमार, पार्षद रवि राय सहयोग, कुष्ठ निवारण संघ इंदौर से राजा राम मालवी, गोपाल शिंदे, रेखा बामनिया ड्रेसिंग वॉलंटियर कंचन बामनिया के साथ साथ कॉलोनी लीडर और कॉलोनी के समस्त जन सम्मान्य उपस्थित थे। मेन बीमारी होती है कि जैसे हाथों के ड्रेसिंग की आवश्यकता पड़ती है। इस संस्था ने बहुत अच्छा काम किया, अनुकरणीय काम किया है कि वो अब ड्रेसिंग यहीं पर ही होगी, इसी स्थान पर होगी, इसी बस्ती में होगी। वर्तमान समय में दूसरा हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, पर अभी सारी सुविधा इस संस्था ने यहाँ पर करी है। मैं संस्था के सारे पदाधिकारी को साधुवाद देता हूँ और हमारे जो बस्ती के साथी लोग हैं, विशेष से कहीं ना कहीं प्रभु का प्रकोप इन पर रहा है, परंतु सारी सामाजिक संस्था मिलकर, सरकारें मिलकर और राजनीतिक लोग मिलकर इन समस्या को दूर करने का, इनकी समस्या दूर करने का निरंतर काम करते हैं। ट्रिपल संस्था है, उसकी तरफ से एक कुष्ठ रोगियों के लिए, जो अफेक्टेड कुष्ठ रोगी हैं उनके लिए एक कार्यक्रम चला रही है। एप्पल संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है, शासन भी इनके लिए बहुत समय से बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इनकी काफ़ी सुविधा है, इनको अपन ने, शासन ने MCR उपलब्ध करवाए, पट्टे उपलब्ध करवाए, पेंशन भी मिल रही है और समय समय पर सारी सुविधाएँ शासन की ओर से और जो संस्था है इनकी तरफ से भी मिल रही है और ये इनका जो कार्य है एप्पल संस्था का बिल्कुल स्वागत योग्य है।